थंबनेल देख के लग रहा हो कि ये कोई क्लिक बेट है, लेकिन सच में ये एनिमे फुल मेटल एल्केमिस्ट को रेटिंग के मामले में पीछे छोड़ के नंबर 1 एनिमे बन चुका है। और इस एनिमे का नाम है कागुया सामा लव इज वॉर। इस एनिमे को मैं बेस्ट इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें हेट करने के लिए कुछ है ही नहीं। बेस्ट कैरेक्टर, बेस्ट स्टोरी और ठीक ठाक एनिमेशन के साथ ये एनिमे बहुत अच्छे से अपनी स्टोरी को आगे ले जाता है। लेकिन ये एनिमे की स्टोरी बहुत ही यूनिक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कैरेक्टर के बारे में। इस एनिमे में 4 मेन कैरेक्टर है, जिसमें से सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेन कैरेक्टर मियुकी शिरोगाने। एक मेन कैरेक्टर के तौर पे ये अच्छा तो है, लेकिन वो परफेक्ट क्वालिटी जैसा फीलिंग नहीं आता है। लेकिन मियुकी शिरोगाने मिला जुला के एक अच्छा मेन कैरेक्टर है। तो बढ़ते हैं हम लोग के दूसरे कैरेक्टर की तरफ, जिसके नाम पर ये शो बना है। शिनोमिया कागुया जापान के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी है और शिनोमिया अपने स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट है मियुकी शिरोगाने के साथ। मियुकी शिरोगाने अपने स्कूल का प्रेसिडेंट है। तो बढ़ते हैं अपने अगले कैरेक्टर की तरफ, जिसका नाम है चीका फुजीवारा। चीका फुजीवारा असिस्टेंट है मियुकी शिरोगाने की और शो में ज़्यादातर कॉमेडी इसी के चलते आता है। अगर शो से इसको हटा दिया जाए तो शो ख़त्म है। और वो क्यूट सा आउट्रो जो लास्ट में प्ले होता है, इसी के चलते वो आउट्रो हम कभी स्किप नहीं करते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट कैरेक्टर जो है उसका नाम है इशिगामी। ये कैरेक्टर से कोई रिलेट करे या ना करे, हम बहुत हद तक रिलेट कर सकते हैं। और क्यों, ये शो देख के पता लगा, ये कैरेक्टर बहुत अच्छा है और ये मेंटली बहुत वीक है ज़्यादातर लोग की तरह, इसीलिए ज़्यादातर लोग इसे रिलेट कर सकते हैं। ये बात तो हो गई एनिमे की, अब दूसरी बात आती है कि देखें कहाँ से। तो देखने के लिए बहुत अच्छा वेबसाइट है जिसका नाम है एनिमिक्स प्ले। सिंपल है, गूगल पे जाना है, एनिमिक्स प्ले सर्च करना है और पहले ही वेबसाइट पे क्लिक करना है। वो वेबसाइट इतना अच्छा है कि जापान में जिस दिन एनिमे रिलीज हुआ उसके अगले दिन उस वेबसाइट पे आ जाएगा। और दूसरी बात, वो वेबसाइट इतना अच्छा है कि उस पर कोई ऐड नहीं आएगा एनिमे देखने के बीच। और हाँ, पॉपअप ऐड आ सकता है,